बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। तो आइए अब हमारा लेक्चर जो है ना, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी फ्रॉग। राना टिग्रीना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन। जो फ्रॉग होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना। तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। इट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल, और ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जाहिर है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र आए। तो फ्रॉग तो हमें नेकेड आई से नज़र आता है, तो फ्रॉग जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये जो है वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पर, मीन्स ये ड्यूअल लाइफ जो है ना गुजारता है, मीन्स वाटर के अंदर भी रह सकता है और उसके अलावा ये खुश्की पर यानी लैंड पर भी जो है ना ये सर्वाइव कर जाता है। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक। इसकी बॉडी जो है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है उसका हेड और दूसरा उसका जो है ना है वो ट्रंक वाला रीजन होता है। मीन्स एक हो गया उसका हेड वाला पोर्शन और दूसरा उसका हो गया ट्रंक वाला पोर्शन। देयर इज़ नो नेक। अच्छा, इसकी जो है ना नेक नहीं होती, इसकी नेक नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स विथ डिफरेंट ऑर्गन्स। इसकी जो बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन भी होते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथीलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस एक्सेट्रा। अब इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एपिथीलियल टिश्यूज हो गए। ये टिश्यूज जो है ना वो बाद में डिस्कस होंगे, तो यहाँ फिलहाल जो है इसके नेम्स आपने याद कर लेने हैं कि इसके ऑर्गन जो है डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जैसे एपिथीलियल हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, मस्कुलर हो गया और नर्वस टिश्यूज हो गए। फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। अब फ्रॉग जो है उसकी हैबिटेट क्या है, मीन्स वो कहाँ पर रहता है, तो वो डिचेस में रहता है, पूल्स पॉन्ड्स में, स्टेगनेंट स्ट्रीम्स जो होती हैं वहाँ पर रुका हुआ जो पानी होता है वहाँ पर, एंड स्लो मूविंग रिवर्स, और जो स्लो मूविंग रिवर्स होती हैं वहाँ पर फ्रॉग्स पाए जाते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, और ये जो है ना वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं। तो अब समरी बताएं इसकी, तो फ्रॉग को जो है ना साइंटिफिक नेम फ्रॉग का जो है वो राना टिग्रीना है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसे हम अपनी आम आँखों से, खुली आँखों से देख सकते हैं। ये जो है ना ड्यूअल लाइफ गुजारता है, मतलब ये वाटर में भी रह सकता है और उसके अलावा खुश्की में भी जो है ना ये सर्वाइव कर जाता है। इसकी बॉडी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक इसका होता है हेड रीजन और दूसरा इसका होता है ट्रंक रीजन। इसकी जो है ना नेक वो नहीं होती। इसकी बॉडी में जो है ना वो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। तो ये जो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फ्रॉग के बारे में जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।